ओम शांति। 12 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? बाबा ने उत्तर दिया, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है, इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कोड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। बाबा कहते, तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेकेंड पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। आज की मुरली का वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। विश्लेषण है, ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना
अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। बाबा कहते हैं, वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। आज की मुरली का स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।